अरब लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की, कॉन्फ्रेंस क्या मीटिंग मुनक्कद की, उसमें उन्होंने कहा कि इस वक्त दुनिया में जितने भी मुल्क हैं उनमें कहां से इस्लाम का जो है निशात सानिया या इस्लाम कहां से आ सकता है। तो उनका ये कंक्लूजन था कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां से इस्लाम दोबारा उसका रिवाइवल होगा, इस्लामी निजाम। तो ये इस्लाम इंशाल्लाह गालिब होके रहेगा और इसी पाकिस्तान से होके रहेगा। हमारा आईन जो है कानूनी तौर पे मुसलमान है, उसको अमली तौर पे भी हमें मुसलमान बनाना है। और इसके लिए जो ये पीछे बच्चे बैठे हुए हैं इनका बड़ा रोल है, इनको हमें दीन की तालीम देनी है, दीन को सिखाना है। और आजकल वेस्ट के मटेरियलिज्म से हम बड़ा इम्प्रेस्ड हैं, स्पेशली हमारी जो नौजवान नस्ल है वेस्ट का लिबास पहनते हैं और अंग्रेजी में बात करते हैं। ठीक है, अंग्रेजी सीखना अच्छी बात है, लिबास पहनना भी अच्छी बात है, लेकिन दिल आपका जो है वो अपने जो असलाफ हैं, अपनी जो अजमत रफ्ता है, जो मुसलमान जब अरूज में थे उसके साथ दिल आपका जुड़ा होना चाहिए। और आपके दिल में ये एक कसक होनी चाहिए कि मुसलमान कौम को अरूज पे लेके जाए, बजाय इसके कि हम वेस्ट की उसके नीचे लग के आगे जाने की कोशिश करें। जैसे अलामा इकबाल ने फरमाया, अपनी मिल्लत पे कयास अक्वामे मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूले हाशमी। जो आप जो कौमे रसूले हाशमी में आ जाता है कलमा पढ़ के मुसलमान, उसकी तरकीब बड़ी खास है। वो वेस्ट की तकलीद करते हुए कभी